छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल भक्त माता राजिम महोत्सव में शामिल होने धर्मनगरी राजिम पहुंचे हुए थे। इस दौरान नगर वासियों ने राज्य के मुखिया का आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात उनके प्रथम राजिम आगमन पर जन प्रतिनिधियों और नागरिकों ने पुष्प भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किए। मुख्यमंत्री श्री साय के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी राजिम पहुंचे हुए थे। इस दौरान राजिम हेलीपैड में महासमुंद सांसद चुनीलाल साहू, राजिम विधायक रोहित साहू, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल, एसएसपी अमित तुकाराम कामले, टीएफओ गिरेबंद मणिवासन एस सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं नागरिकों ने श्री साय का जोरदार स्वागत किए। सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, हमारी पिछली सरकार थी तो राजिम कुंभ का नाम देश विदेश तक चलती थी। कांग्रेस सरकार में कमियां थी जो इसका नाम बदल दिया, लेकिन फिर से हम कुंभ मेले का आयोजन करेंगे। किसानों को दिए जाने वाले धान खरीदी में अंतर की राशि को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में विरासत के रूप में हमें खाली खजाना मिला है, व्यवस्था कर किसानों के खाते में एक मुश्त अंतर की राशि को डाल दिया जाएगा। हालांकि कब तक होगा इस बारे में कुछ निश्चित समय नहीं बताए। दिसंबर हमन जो डिफरेंस के राशि है वाला एक मुश्त किसान मन के देह के काम करबो, काबर के हमला विरासत के रूप में छत्तीसगढ़ में खाली खजाना मिली से तो कुछ तो व्यवस्था करना पड़ी ना, तो व्यवस्था करके एक मुश्त हमन जो अंतर के राशि है किसान मन के खाता में देबो। और मोदी की गारंटी में जो भी हमर पार्टी के छत्तीसगढ़ के जनता से वादा है वो सब वादा ला पूरा करबो। ये राजिम कुंभ हमर जो सरकार चलत रही से भारतीय जनता पार्टी के राजिम कुंभ के माध्यम से ये जगह के पूरे देश ही नहीं दुनिया में पहचान देह के काम हमर सरकार करे रही। पिछले समय में जरूर वो में कुछ कमी हुई से, लेकिन मैं फिर मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहता हूं कि फिर से यहाँ के वैभव लौटी, राजिम कुंभ के फिर से ख्याति हो ही और दुनिया भर के साधु संत फिर से यहाँ पर आई।